इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th की फिजिक्स का अगला एक क्विक रिवीजन लेक्चर है। बिल्कुल सही नाम आपने सुना, अगला क्विक रिवीजन लेक्चर। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी कोई क्विक रिवीजन लेक्चर आया है। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय मैं क्लास 10th के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज को रिवाइज कराने के लिए, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करने के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके कि वो सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सके। तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले का जो क्विक रिवीजन लेक्चर आया था, उस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट यानी जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को रिवाइज किया था। उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर में मैं केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी को ही कवर कर पाया था, लेकिन आज की ये यूनिट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स एज वेल एज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हद तक काम आती है। द यूनिट नेम इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली दो प्रॉपर्टीज है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है। मैं इसमें लाइट को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला, रिफ्लेक्शन क्या होता है नहीं बताने वाला, रिफ्रैक्शन क्या होता है डिटेल में तो नहीं बताने वाला, थोड़ा थोड़ा तो जरूर बता दूंगा। इसका मतलब कि कोई भी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, आई वॉन्ट दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेसिक्स। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर बेसिक ज्ञान क्या दिया गया है। अगर आपको बेसिक बातें पता है, अगर आपको जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और कहीं ना कहीं फॉर्मूले से आप घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से आप डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बना है। बिल्कुल सही, इस वीडियो लेक्चर में विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैप्टर का नाम है लाइट, और इसके अंदर हम लोग दो प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी रिफ्लेक्शन, और एक प्रॉपर्टी होती है हमारी रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जिक्र करना बनता ही है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। सेंस, बिल्कुल सही, सेंस किस तरह का सेंस? विजन वाला सेंस, साउंड वाला सेंस नहीं, स्मेल वाला सेंस नहीं, टेस्ट वाला सेंस नहीं, लेकिन विजन वाला सेंस, बिल्कुल सही। यानी लाइट एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी मदद करती है हमारे आसपास की दुनिया को देखने के लिए। सोच के देखिए, अगर लाइट नहीं होती तो शायद हम चीजों को देख ही नहीं पाते। एक बच्चा कहता है क्यों, देखने के लिए तो आंखों की जरूरत है, लाइट की जरूरत का है, तो फिर एक काम करो, अंधेरा ही अंधेरा कर दो, सब कुछ तो नजर आ जाएगा। आंखें तो आपके पास तब भी होती है जब अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे में सब कुछ क्लियरली तो नजर नहीं आता। तो आंखों ने देखने में मदद किया या लाइट ने देखने में मदद किया? तो एक बच्चा कहता है लाइट ने देखने में मदद किया। मतलब फिर लाइट तो उस व्यक्ति के पास भी होती है जिसके पास आंखें नहीं होती, वो तो तब भी नहीं देख पाता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट अकेले और आंखें अकेले दोनों काम नहीं कर सकती हमें कुछ दिखाने के लिए। दे बोथ वर्क इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। अगर लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो उस एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए आंखें एक यंत्र है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पास जो कि हमारी मदद करता है लाइट को डिटेक्ट करने में। एंड वंस वी आर एबल टू डिटेक्ट द लाइट, वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास की दुनिया को परसीव कर पाते हैं, आसपास की दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता है। सवाल आता है कि सर रिफ्लेक्शन के टॉपिक में आप क्या चीजें आप बताने जा रहे हो? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत लाइट आती है, आके टकराती है और टकरा के जाती है। बिल्कुल सही सुना, द प्रॉपर्टी ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड इट इज स्ट्राइकिंग अ स्पेसिफिक सरफेस एट अ स्पेसिफिक एंगल, देन द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक्स इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के लौट जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो लाइट आती है, आके टकराती है, टकरा के जाती है, जिस एंगल पे आती है, जिस एंगल पे टकराती है, उसी एंगल पे जाती है, उसी एंगल पे लौट जाती है। आते समय जब टकराती है, टकरा के जो एंगल बनाती है, जो एंगल टकरा के बनाती है, वही एंगल टकराने के बाद जाते समय बनाती है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आने वाला एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू
जाने वाला एंगल, यानी लाइट जब आ रही है एक पर्टिकुलर सरफेस से टकरा रही है तो आने वाले सरफेस से इस पॉइंट पे टकरा कर इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है आने वाली रे, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। बिल्कुल सही आपने सुना, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां पे मैं इस तरह से अगर डॉटेड लाइन बना दूं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अरे किसका? ऑफ शीशा, ऑफ शीशा। अब ये शीशा क्या चीज है? बिल्कुल सही आपने एक शब्द सुन लिया, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मिरर की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर। आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूं तो इस मिरर का एग्जैक्ट मतलब क्या है। यानी मैंने अगर मिरर का जिक्र किया, तो ये मिरर का बेसिक मतलब क्या है? अरे मिरर कुछ नहीं है भाई, एक सरफेस है, शीशा है। शीशा वो चीज है जिसपे शक्ल नजर आती है। बच्चा कहता है अच्छा मैंने तो कभी अपने स्कूल की प्लेट पे या अपने किसी चीज पे, आप कह सकते हो कि एक प्लेट हो गई, प्लास्टिक की प्लेट हो गई या फिर एक एल्यूमिनियम की प्लेट हो गई, शाइनिंग सरफेस हो गया, उस पे मैंने अपनी शक्ल देखी थी। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपका आपकी इमेज क्रिएट कर सकती है। द ओनली थिंग इज दैट दे हैव द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। यानी अगर कोई भी वस्तु जिसमें ये काबिलियत है कि उस पर जब लाइट आएगी आके जब टकराएगी और टकरा के जब लौट जाएगी, तो जब जब लाइट आएगी आके टकराएगी और टकरा के लौट जाएगी, तो जिस भी सरफेस से लाइट लौट जाएगी वो सरफेस आपकी छवि, आपकी इमेज, आपका दर्पण बना के आपको दिखा सकता है। तो लाइट के द्वारा आना, आके टकराना, टकरा के लौट जाना, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। तो जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकता उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं कहेंगे। सो हमारी आम तौर की जिंदगी में द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सरफेस जो कि रिफ्लेक्शन कर पाने में या रिफ्लेक्शन को हो पाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शीशा, यानी जिसे हम मिरर कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 10th में हमें मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके नाम से पता चल रहा है कि उसका आकार गोल होता है, यानी गोल आकार का जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है। तो आइए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये एक प्लेन मिरर का डायग्राम है। लाइट आई, नॉर्मल से टकराई, आके एंगल बनाया, आके चली गई, तो जो चली गई उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल आर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एक कानून है, बेसिक लॉ है, किसका? रिफ्लेक्शन का। चलिए फिलहाल हम लोग रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मुझे बहुत सारी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बतानी है और सीधा न्यूमेरिकल्स पे ले जाऊंगा, सीधा फॉर्मूलाज पे ले जाऊंगा, इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल सही। आइए तो विदाउट एनी डिले मैं सीधा बात करता हूं एक और चीज की जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, यानी मैं बात कर रहा हूं स्फेरिकल मिरर की। बिल्कुल सही आपने नाम सुना, स्फेरिकल मिरर के नाम से पता चल रहा है जिस मिरर का आकार गोल है। गोल मतलब सर्कल, मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं, सर्कल तो चूड़ी भी होती है, बैंगल, हम यहां पे बैंगल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब फुटबॉल की भांति। इमेजिन कीजिए कि आपके पास गोल आकार की फुटबॉल है जो कि शीशे की बनी है, कांच की बनी है, और दो संभावना है, या तो शक्ल बाहर से देखने पर नजर आ रही है या फिर शक्ल बाहर से देखने पर नजर नहीं आ रही। जब शक्ल बाहर से देखने पर नजर नहीं आ रही तो आपने तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा तो जो अंदर का हिस्सा था वहां शक्ल नजर आ रही थी। आइए बात करते हैं किसकी? स्फेरिकल मिरर की। तो अगर सपोज कीजिए मैंने ये एक गोल आकार का मिरर बनाया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इस गोल आकार के मिरर का ये केंद्र बिंदु है, इस गोल आकार के मिरर का एक केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से पास होने वाली लाइट, आई रिपीट माई सेंटेंस, इस केंद्र बिंदु से पास होने वाली लाइट, पास होने वाली यहां तक और यहां तक, एक सर्कल के लिए डायमीटर कहलाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर में दो संभावनाएं हैं, या तो बाहर वाला हिस्सा हमें शक्ल दिखाएगा और या फिर अंदर वाला हिस्सा हमें शक्ल दिखाएगा। अगर
किसी भी मिरर का अंदर वाला हिस्सा शक्ल दिखाता है तो तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इतना हिस्सा ऐसे तोड़ दिया, इतना हिस्सा ऐसे तोड़ दिया और मुझे ये जो मिरर मिल गया, ये वाला मिरर जिसका बाहर वाला हिस्सा शक्ल नहीं दिखाता, नहीं दिखाता, नहीं दिखाता, लेकिन ये दिखाता है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सही, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हो। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही सुन रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम डिनोट करते हैं सी से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर, या फिर हम कभी कभी इसे पोल भी कह देते हैं, कभी कभी इसे हम पोल भी कह देते हैं, POLE पोल। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पर, आधी दूरी पर एक पॉइंट होता है F, जिसे हम कहते हैं फोकस। तो सर जी, कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल पाते हो? अरे भाई बोल रहा हूं, सुनो तो सही ध्यान से। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो ये सेंटर था, यानी देखा जाए ये एक सेंटर था, सेंटर से पास होने वाली लाइन को कहा गया है प्रिंसिपल एक्सिस। इस सेंटर के बीच में जो पॉइंट है उसे कहा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे पॉइंट पे पॉइंट है फोकस, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी को कहा गया है फोकस की दूरी। क्या कहा गया है? फोकस की दूरी, मतलब कहा गया है फोकल लेंथ। क्या कहा गया है? फोकल लेंथ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का डबल होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, फोकल लेंथ का डबल होती है। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स द फोकल लेंथ, और हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज आधा ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए, घूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो नुकसान वाली बात तो नहीं है, समझ आना जरूरी है, समझ आ जाए तो याद रहना जरूरी है, और याद रह जाए तो रिकॉल करना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, बेसिक चीज। अब सवाल आता है, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, क्या बनाया है? कॉनकेव मिरर। ऐसे ही मैं बना सकता हूं कॉनकेव मिरर के बाद अगला मिरर, जिसे हम कहते हैं कॉनवेक्स मिरर। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है? कॉनकेव मिरर में अंदर वाला हिस्सा शक्ल है दिखाता, बाहर वाला हिस्सा लाइट को टकरा के नहीं लौटा पाता। कॉनवेक्स मिरर में अंदर वाला हिस्सा शक्ल नहीं दिखाता, बाहर वाला हिस्सा लाइट को आके टकरा के लौटा है पाता। आइए जानते हैं कि क्या सिखाया। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा था जो कॉनवेक्स मिरर होता है, जो कॉनवेक्स मिरर होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कॉन्वेक्स मिरर को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, और इस कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो भाई यहां जाके कंप्लीट होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला हिस्सा नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ये वाला हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बहुत ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका आधा पॉइंट क्या हो गया? फोकस। तो यहां से लेके यहां तक दूरी क्या हो गई? फोकल लेंथ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बच्चा बोला कि यार इस कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उस तरफ, फोकस भी उसी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी तरफ, जबकि शक्ल तो यहां नजर आती है, सामान तो सारा उधर पड़ा है। भाई देखा जाए तो बात तो सही है, शक्ल तो इस तरफ नजर आती है, क्या उस तरफ नजर आती है ना? यही रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट जब आती है, आके जब टक्कर आती है, तो टकरा के रूल्स के अनुसार बेचारी वहां नहीं जा पाती है जहां हम बताते हैं, उल्टा उसके खिलाफ जाती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर? आइए अब बताता हूं कि कहना क्या चाह रहा हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं बेसिक टेक्निक्स, बेसिक रूल्स, बेसिक बातें, बेसिक ज्ञान, टू नो कि लाइट कब आएगी, अगर आएगी तो कहां जाएगी,
अगर जाएगी तो कहां टकराएगी, अगर टकराएगी तो टकरा के कहां लौट जाएगी। यानी मैं बात कर रहा हूं कि लाइट जब आती है आके जब टकराती है तो टकरा के जब जाती है तो किधर है जाती, ये कोई तो बताएगा? मैं बता रहा हूं, आप बेफिक्र होकर सुनिए। लेकिन फिजिक्स ने इन बातों को कुछ रूल्स के रूप में बताने की कोशिश की है। तो बेसिक रूल्स क्या है आइए जानते हैं, और वो बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो बेसिक रूल्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई रिपीट माय सेंटेंस बेसिक रूल्स टू आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ लाइट रेज, द बेसिक रूल्स टू आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ लाइट रेज का जो पाथ है किसके दौरान, रिफ्लेक्शन के दौरान। मैं सीधा सीधा बताऊंगा रूल वन क्या कहता है। रूल वन ये कहता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये सेंटर है, अगर ये फोकस है, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है जाता, ए बी है लिखा जाता। सो रूल वन कहता द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जाती, जाके है टकराती, टकरा के फोकस से पास है हो जाती। आई होप ये बात समझ है आ जाती। रूल है कि याद कर लो, समझ लो, दैट लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद जाती है कहां से, फोकस से। रूल नंबर टू, वन बताया, आइए बात करते हैं टू की। द लाइट दैट पासेस थ्रू फोकस टकराने के बाद goes parallel to the principal axis। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बेसिक चीज समझ रहे हैं, समझ है आ रही तो बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए, लाइट गोज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पासिस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर थ्री, द लाइट दैट स्ट्राइक्स द पोल एट सम एंगल is reflected at some angle r, angle i पे जाएगी, जाके टकराएगी, टकरा के लौट जाएगी, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे आएगी, बेसिक ज्ञान समझ आएगी। रूल नंबर फोर, द लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली यहां पर है अभी, बट ये लाइट मुलाकात करेगी, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे बनाने की कोशिश करूं ताकि मैं इससे कहीं मुलाकात करता हुआ दिखाऊं, तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिए, द लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जब मिरर से है टकराती, टकरा के उसी दिशा में लौट जाती। तो रूल कितने बता दिए, चार बता दिए। पहला, द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रूल, द लाइट दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल थ्री, द लाइट दैट स्ट्राइक्स द पोल एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज रिफ्लेक्टेड बैक एट सम एंगल ऑफ आर। रूल नंबर फोर, द लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रेसेस इट्स पाथ, अपना रास्ता दोबारा दोहराती है इन द सेम डायरेक्शन एंड गोज बैक। ये जितनी भी बातें मैंने आपको है बताई, जितनी भी बातें मैंने आपको है समझाई, ये कॉनकेव मिरर के लिए बताई। कॉनकेव मिरर में लाइट आती है, आके टकराती है, टकरा के लौट जाती है, और जब टकरा के लौट जाती है तो कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में लाइट आती है, आके टकराती है, टकरा के मिल जाती है, इसलिए कॉनकेव मिरर को कहते हैं मुलाकात का मिरर। मैंने कहा साइंस की भाषा में कहें तो कन्वर्जिंग मिरर, अ मिरर इन विच द लाइट गोज टकरा रिटर्न्स मुलाकात अपने आप में मुलाकात करेगी, यानी लाइट रेस जिस पॉइंट पे मुलाकात करेंगी उस पॉइंट पे बनेगी क्या इमेज। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट है ए बी तो इमेज है उल्टी, यानी ए डैश बी डैश। आई होप आपको बातें समझ आ रही है, बेसिक ज्ञान दिया है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं हो पाता, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
अगर ये फोकस है, अगर ये सेंटर कर्वेचर है, तो लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस है, फोकस है, फोकस है, फोकस है, फोकस है, पास पास नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, इट गोज अवे अलोंग द फोकस, इट गोज अवे अलोंग द फोकस। ये देख लीजिए कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, इधर जब जा रही है तो बेचारी पास नहीं हो पा रही। बच्चा कहता है सर क्यों? मैंने कहा यार अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसका मतलब लाइट आर पार चली गई। अरे आर पार जाने को रिफ्लेक्शन नहीं कहते, रिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के लौट जाना, तो आर पार की बात कर दी आपने भाई, आर पार तो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि लाइट आ रही है, आके टकरा रही है, टकरा के जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन के लिए लाइट आती है, आके टकराती है और लौट जाती है, अगर आर पार गई तो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ आ गई? आइए रूल अगला लेते हैं। द लाइट दैट ट्राइज टू पास, द लाइट दैट ट्राइज टू पास थ्रू 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 सेंट्रल कर्वेचर, सेंट्रल कर्वेचर गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन, गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो मेरा क्वेश्चन सुनो, ये लाइट आई टकराई इधर चली गई, ये लाइट आई टकराई इधर चली गई, क्या इसकी और इसकी मुलाकात हो रही है? कहीं नहीं हो रही। यानी अगर मुलाकात कराने की कोशिश करो तो बिहाइंड द मिरर होगी, वो भी हम जब प्रोड्यूस करेंगे तब। रियलिटी में क्या मुलाकात हो रही है? नहीं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में एक सबसे बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना जरूरी है, कॉनकेव मिरर लाइट को मुलाकातें कराता है और कॉन्वेक्स मिरर लाइट की मुलाकातें नहीं कराता। यही रीजन है कि कॉनकेव मिरर मुलाकात का मिरर है और यह मुलाकात का मिरर नहीं है। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आई होप आपको समझ आ गया क्या होता है स्फेरिकल मिरर, आई होप आपको समझ आ गया क्या होता है कॉनकेव मिरर, आई होप आपको समझ आ गया क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। बेसिक बात, बेसिक ज्ञान, बेसिक बातें समझ आ रही होंगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, वेरी सिंपल, जो आपको समझ आना जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर आप मिरर से रिलेटेड क्या पढ़ाने वाले हैं? तो मिरर से रिलेटेड जब कभी भी रे डायग्राम बनाने की जाती है कोशिश, मिरर से रिलेटेड जब कभी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने है रखते, ऑब्जेक्ट की लाइट रेज मिरर से टकराते, वो लाइट रेज जब टकराती तो टकरा के लौट आती, जब टकरा के लौट आती तो किसी पॉइंट पे मुलाकात कर जाती, जिस पॉइंट पे मुलाकात कर जाती वहां इमेज बन जाती, और जहां इमेज बन जाती उसे हम इमेज की लोकेशन मान लेते, ऑब्जेक्ट जहां होता उसे ऑब्जेक्ट की लोकेशन मान लेते। तो इन सारी चीजों के आपस में एक रिश्ते को, आई रिपीट माय सेंटेंस, इन सारी चीजों के आपस में एक रिश्ते को एक फॉर्मूले के रूप में पहचाना गया है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। यानी 10th क्लास के अंदर लाइट वाले चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़े जाने वाला सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कि कहलाता है मिरर फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि मिरर फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है, तो मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें हूं मैं समझा रहा, कुछ बातें हैं मैं बता रहा, आपको समझ आएंगी तो मेरा काम समझो हो जा रहा। तो देखिए बहुत सिंपल शब्दों में कहूंगा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं यहां पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो आई होप आपको यह समझ आ रहा है मिरर फॉर्मूला क्या कहता है। मिरर फॉर्मूला कहता है कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और अगर इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर है, फोकस मान लीजिए यहां पर है, और मैंने ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है दिखाया सच दैट लाइट रेज को मैंने पास करके फोकस से है गुजारा और फोकस से गुजार के कहीं यहां है मिलाया, तो जिस पॉइंट पे मैंने इसको है मिलाया उस पॉइंट पे समझो मैंने इमेज को है बनाया। बहुत सिंपल है। तो लाइट गई गई टकराई लौट गई लौट गई 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 टकराई लौट गई लौट गई गई टकराई लौट गई मीट गई मुलाकात हो गई। तो जिस पॉइंट पर मुलाकात हो गई क्या मैं कह सकता हूं वहां इमेज बन गई? बिल्कुल सही। इमेज कहां बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ऑब्जेक्ट कहां था? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो सुन लीजिए कि किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं। मैं आप लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट की दूरी को, ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना,
ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, तो यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का है इमेज, वी से डिनोट करते हैं, तो वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। एक बच्चा फट से बोला, मैंने तो सुना था यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है। अरे भाई, जो भी बच्चा बोला उसने सही सुना। आपको बता दूं, जहां सुना नाइन्थ क्लास में सुना, टेंथ क्लास पढ़ रहे, इस चैप्टर में जो मतलब है वो समझो, जो पढ़कर आए उसे भूलो मत, वो भी मतलब है। इमोशनल फिजिक्स है भाई, अभी लाइट की फिजिक्स पढ़ रहे, इसलिए यहां पर सिंबल वही है लेकिन मतलब अलग है। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V का मतलब है इमेज की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। तो यहां पे देख लीजिए, F का मतलब है फोकल लेंथ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, F का मतलब है फोकल लेंथ, R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही आपने सुना, H का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट, बिल्कुल सही आपने सुना, H का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट, H डैश का मतलब है इमेज की हाइट, इमेज की हाइट। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, हमें क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मिरर है तो मिरर के लेफ्ट में और मिरर के राइट में हम चीजों को है नापते, तो मिरर के लेफ्ट में जिसे है नापते उसे नेगेटिव है लेते, मिरर के राइट में जिसे है नापते उसे पॉजिटिव है लेते, मिरर के ऊपर जिसे है नापते उसे पॉजिटिव है लेते, मिरर के नीचे जिसे है नापते उसे नेगेटिव है लेते। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जिस चीज को है नापते उसे हम नेगेटिव है लेते, मिरर के राइट हैंड साइड पे हम जिस चीज को है नापते उसे हम पॉजिटिव लेते। यानी जो चीज आपको मिरर के लेफ्ट पे नजर आ रही है उसे नेगेटिव लीजिएगा, जो चीज आपको मिरर के राइट पे नजर आ रही है उसे आप पॉजिटिव लीजिएगा। आइए एक बार इस बात का मतलब समझते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमें जो पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर मेरे पास दो मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, कॉन्वेक्स मिरर में नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस सिचुएशन में फोकल लेंथ लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की दूरी लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, इसमें भी फोकल लेंथ राइट में है तो पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट की दूरी लेफ्ट में तो वो क्या है, नेगेटिव है। कॉनकेव मिरर में वी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वी हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इमेज राइट हैंड साइड बनती है। बच्चा कहता है हम कैसे मान ले, भाई देखो मैं आपको रे डायग्राम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि रे डायग्राम की सिचुएशन में इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे कब बन रही है और इमेज राइट हैंड साइड पे कब बन रही है। तो अगर इमेज राइट हैंड साइड पे बन रही है तो इमेज की दूरी को लिया जाएगा पॉजिटिव, अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो इमेज की दूरी को लिया जाएगा नेगेटिव। तो इमेज की पहचान करने के दो तरीके हैं, या तो ये पहचान लो कि इमेज कहां बन रही है, या फिर ये पहचान लो कि इमेज का साइज क्या है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, अगर किसी मिरर में इमेज बन रही है मिरर के लेफ्ट साइड पे तो उसका मतलब कि इमेज की दूरी बोले तो वी नेगेटिव है, अगर किसी मिरर में इमेज बन रही है राइट हैंड साइड में तो उसका मतलब है इमेज की दूरी यानी कि वी पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड पे बनेगी इमेज तो इमेज की दूरी होगी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे बनेगी इमेज तो इमेज की दूरी होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी इमेज तो इमेज की दूरी होगी नेगेटिव। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इमेज तो उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है उसे हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, उसे हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही है, ये बातें आपको समझ आ रही है, मैंने आपको बेसिक ज्ञान दे दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के बाद जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या सुन लिया आपने,
मिरर फॉर्मूला, बिल्कुल सही सुन लिया। मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मिरर की यूनिट, मिरर के यूनिट डिस्टेंस, यानी इन शॉर्ट कहें तो मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर के इमेज डिस्टेंस, मिरर के फोकल लेंथ को रिलेट करता है। तो मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर के इमेज डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ को रिलेट करने वाला, इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला एक बेसिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और वो क्या होता है आपकी जानकारी के लिए मैं बताने हूं जा रहा, आपको ये समझाने हूं जा रहा कि ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, इन सबको एक रिश्ते में बांधा जा सकता है। और एक बेसिक रिश्ता जो इनको बांध के रखता है, एक बेसिक चीज जो इनको बांध के रखती है, उस बेसिक फॉर्मूले को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, उस बेसिक फॉर्मूले को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। पहले ये जानना जरूरी है कि आप कहते हो कि इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला, लेकिन ये तो बताओ कि मिरर फॉर्मूला खुद क्या कहता है। तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f is equal to 1/u plus 1/v, वो फॉर्मूला है जो आपने लगाना है न्यूमेरिकल को करते समय। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब न्यूमेरिकल को करते समय फॉर्मूला इसे लगाओगे तो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो साइन भी लगाओगे, जब साइन भी लगाओगे तो दिमाग थोड़ा लगाओगे, जब दिमाग थोड़ा लगाओगे तो मेरी बात को याद रख पाओगे। कौन सी बात को याद रख पाओगे? वही जो थोड़ी देर पहले थी बताई कि पॉजिटिव वाले डिस्टेंस को लेते हैं पॉजिटिव, अरे बोले तो राइट हैंड साइड वाले को, नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को। मिरर के लेफ्ट में जो होता है डिस्टेंस उसे लेते हैं नेगेटिव, मिरर के राइट में होता है जो डिस्टेंस उसे लेते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का रखना आप ध्यान, आपकी बात बन जाएगी, आपको नहीं होना पड़ेगा परेशान। तो ये चीज जरूरी है, ये चीज समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है, आई होप आपको समझ आ रही है। अब क्यों ना एक न्यूमेरिकल लेके इस बात को समझ लिया जाए कि मिरर फॉर्मूला कैसे यूज होता है, मिरर फॉर्मूला कैसे हमारे काम आता है। तो ये आप देख लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा न्यूमेरिकल यहां पर लिखूंगा आपके लिए और ये बात आपको समझ आनी चाहिए। चलिए जानते हैं बेसिक सा फॉर्मूला में क्या सिखा रहा है, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए और लेट अस से कि हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ आएगा। हमने यहां पे लिखा एंड ऑब्जेक्ट, मेरी बात सुन लीजिए, हमने कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए is placed at a distance, देख लीजिए is placed at a distance of concave mirror, for example मान लीजिए मैंने इस 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, लेट अस से कि हमने इसको रख दिया कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव मिरर, या फिर कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये लिखना भूल गया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज, आई रिपीट माय सेंटेंस, वेयर द इमेज गेट्स फॉर्म, यानी वो डिस्टेंस पता लगाइए जहां इमेज बन रही है। देख लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बना के आपके सामने लिखा तो है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर और मिरर हमें दे रखा है कॉनकेव, हमें फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मांग रहा है हमसे इमेज, क्वेश्चन मांग रहा है हमसे इमेज, सिंपल सा फंडा है, बात को हमें समझ लेना है कि कॉनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/ फोकल लेंथ 15 माइनस 15, एक बच्चा बोला ऐसे कैसे, अरे कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ लेफ्ट पे होती है, आप ही ने कहा था जो लेफ्ट पे होता है उसे नेगेटिव लेते हैं, जो राइट पे होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है जी। 1/u कितना हो गया माइनस 20 प्लस 1/v, देख लीजिए, गूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये जरा देगा, तो 1/20
माइनस वन अपॉइंट पंद्रह इज इक्वल टू वन अपॉइंट बी, इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 3301 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो गया 15, बहुत ध्यान सुनिएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड हो गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो हमने यहां पे लिख दिया 15 माइनस 20 अपॉन 300 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा वी आ गया। साफ साफ क्यों नहीं बोलते सर जी कि वी इज इक्वल टू 300 अपॉन माइनस 5 माइनस 5, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 60 सेंटीमीटर। देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। देखो लेफ्ट पे आया, राइट पे आया, लेफ्ट पे आया, तो हम कहेंगे दैट द डिस्टेंस वेयर द इमेज गेट्स फॉर्म इज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी अगर मिरर ये है तो ऑब्जेक्ट की दूरी भी लेफ्ट पे, इमेज की दूरी भी लेफ्ट पे, फोकल लेंथ भी लेफ्ट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट पे। अरे वो तो होता ही है पर्पल मिरर में, किसको नहीं पता, सबको पता है, बेसिक चीज आई होप आपको क्लियर हो गई, बेसिक चीज आई होप आपने पहचान ली, एक सिंपल सा ज्ञान जो आपको समझ आना चाहिए था, ये एक सिंपल सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसी क्वेश्चन में इसी स्टेटमेंट में एक और चीज पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है आपकी जानकारी के बता दू, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, अच्छा ये बताना है कि इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, बिल्कुल सही। साइज ऑफ द इमेज के को पता लगाने के तरीके को फिजिक्स के इस चैप्टर में कहते हैं मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ द इमेज को पता लगाने के तरीके को फिजिक्स के इस चैप्टर में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है मैग्निफिकेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात का एहसास आपको करा दूं कि मैग्निफिकेशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है एम, फॉर्मूले होते हैं दो, एच डैश बाय एच और माइनस वी बाय यू, या तो इसे लगा लो या तो इसे लगा लो, जो मन में आए उसे लगा लो, जो नहीं दिया है उसे पता लगा लो। बेसिक चीज, बेसिक ज्ञान, बेसिक बातें समझ आ रही होंगी। एच डैश बाय एच माइनस वी बाय यू होता है एम, होता है एम, तो फिर अब कौन सा है गम, आइए पता लगाएं क्या होता है एम। तो देख लीजिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ये तो वो है जो हमको पता है लगाना, एच डैश हमको पता है लगाना, एच कितना 5 ही बताना। एक बच्चा बोला इसको प्लस माइनस नहीं बोलोगे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है जाते, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है नापे जाते हैं वो पॉजिटिव है लिए जाते, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस है पाए जाते या नापे है जाते वो नेगेटिव है लिए जाते। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का होता है ऊपर, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमेशा 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 पॉजिटिव, बिल्कुल सही। आइए तो एच डैश बाय 5 माइनस रिव्यू, माइनस वी में वी कितना आया था माइनस 60, तो मैंने लिख दिया माइनस 60 भेजे तो आया था, यू कितना, यू कितना था हमारे पास, ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस 20, कैंसल, तो एच डैश कम्स आउट टू बी हमारे पास माइनस 60 इंटू 5 बटा 20, कट गया 2 3 6, तो एच डैश कम्स आउट टू बी माइनस 15 सेंटीमीटर। देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, और यहां पे आप देख रहे हैं कि इमेज आई है नेगेटिव, तो क्या कुछ तो बताना चाह रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, तो सुनो, जब इमेज आती है पॉजिटिव तो समझो इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जब इमेज आती है नेगेटिव या इमेज की हाइट आती है नेगेटिव तो समझो इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली इमेज को कहते हैं एच डैश, नेगेटिव को कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पे क्वेश्चन अगर पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज तो कह दिया माइनस 15, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज तो क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज तो कह दिया माइनस 15, अगर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज तो कह देंगे नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। किसी ने पूछा ऐसा कैसे, अरे मैंने बताया आपको, फिजिक्स कहती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी इमेज तो कहलाएगी रियल एंड इन्वर्टेड, अगर ऊपर बनी तो कहलाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट,
नीचे बनी तो अगला आएगी रियल इन्वर्टेड। कहां बन रही है? नीचे बन रही है। कैसे पता लगा? साइन से पता चला। तो साइन क्या? माइनस। किसका? इमेज का। यानी अगर इमेज का साइन आएगा माइनस तो हम समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज और इमेज है रियल इन्वर्टेड। अगर साइन आया एस डैश का पॉजिटिव तो हम समझ जाएंगे इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में इमेज क्या है देख लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको बातें समझ आ रही है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मैंने आपको क्या बताया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक चीज मैंने आपको बता दी है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं और आपकी इस चीज को थोड़ा और पक्का करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बूस्टअप करते हैं कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि कैसे कैसे बहुत सिंपल शब्दों में एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहां पे कहा द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख लीजिए ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूंगा आपके लिए लिख रहा हूं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आप कर पाएंगे, बच्चा बच्चा कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। एंड एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, देख लीजिए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप मेरी बात, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी एक डाइवर्जिंग मिरर है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसा रखा गया है। ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ हमें रखी है 20 सेंटीमीटर और क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द नेचर, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा दैट शुड कम आउट टू बी -15 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा दैट शुड कम आउट टू बी आपका हाइट ऑफ द इमेज जो आएगी मेरे ख्याल से 1.11 सेंटीमीटर आएगी इस क्वेश्चन में, चेक कर लीजिएगा। और जहां तक मुझे याद है इसकी v की वैल्यू जो आने वाली है वो 11.1 सेंटीमीटर आने वाली है, क्वेश्चन ने ये भी मांगा था और ये चीज आप चेक कर लीजिएगा और यहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है। देखिए मैंने सॉल्व तो नहीं किया है लेकिन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन तो दे दिया है भाई, न्यूमेरिकल की बातें जब बताऊंगा तो क्या क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और जब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आंसर नहीं बताऊंगा और आंसर नहीं बताऊंगा तो क्या मौका नहीं दूंगा? बिल्कुल दूंगा। तो दिया ना मौका आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका दे रहा हूं, तो प्लीज हैव अ केयरफुल लुक ऑन बोथ ऑफ द टू क्वेश्चंस। ये तुम्हारे पास दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस पे बखूबी नजर डालिए और ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इनको अटेम्प्ट करके सही आंसर ला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बेसिक चीज सीख ली, बेसिक ज्ञान की प्रैक्टिस कर ली, अब भंडार है न्यूमेरिकल्स का। रिफ्लेक्शन का टॉपिक समाप्त, रिफ्लेक्शन का टॉपिक समाप्त भाई, रिफ्लेक्शन की टॉपिक को रिवाइज करके फिनिश कर दिया है। फिजिक्स का क्विक रिवीजन लेक्चर चल रहा था, फिजिक्स के लाइट चैप्टर की बातें चल रही थी। लाइट में दो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की समाप्ति कर दी है। रिफ्लेक्शन के अनलिमिटेड न्यूमेरिकल आप परफॉर्म कर सकते हैं और निराश मत होइए, बहुत जल्द लौटूंगा एक अगला वीडियो लेक्चर लेके जिसमें रिफ्लेक्शन की बातें तो नहीं करूंगा लेकिन रिफ्रैक्शन की बातें जरूर करूंगा क्योंकि रिफ्लेक्शन की बातें इस वीडियो लेक्चर में आई होप आपके लिए काफी इनफ है और अब आप प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन इट्स माय वेरी वेरी सिंपल सजेशन टू यू कि अगर मेरी बातें ये समझ आई तो खुद तक मत सीमित रखिए, फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए ताकि बोर्ड्स की तैयारी में किसी को कमी ना रह जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी बच्चों के काम आने वाला है जो 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में बैठने वाले हैं। इनफैक्ट 12th में अगर आप जाएंगे तो ये सेम टॉपिक रिपीट होता है, आपको तब भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, उसके लिए शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।